कानपुर टेस्ट में आया ट्विस्ट, भारत की उम्मीद बढ़ी, चौथा दिन किया अपने नाम। भारत और बांग्लादेश टीम के बीच कानपुर टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल समाप्त हो चुका है। चौथे दिन स्टंप के समय तक बांग्लादेश ने अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 26 रन बना लिए थे। बांग्लादेश भारत से जब भी 26 रन पीछे है और उसके 8 विकेट शेष हैं। शादनाम इस्लाम 7 और मोमिनुल हक खाता खोले बिना क्रीज पर है। खेल के चौथे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 233 रनों पर सिमट गई। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही, लोगों की जान बचाने वाले तमांग की हो रही है तारीफ। नेपाल में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं के कारण अब तक कम से कम 170 लोगों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि अलग अलग इलाकों में 42 लोग अब तक लापता हैं और 111 से ज़्यादा घायल हैं। शादी का झांसा देकर रेप करने वाला दरोगा 2 महीने बाद गिरफ्तार। महिला से शादी का वादा कर उसके साथ रेप करने वाले आरोपी दरोगा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी नागसेन आनंद जनपद जालौन का रहने वाला है और थाना कपूरपुर में बतौर दरोगा। BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि पाकिस्तान में भारत के खेलने पर निर्णय सरकार लेगी। राजीव शुक्ला ने कहा कि ग्रीन पार्क का इतिहास है कि बारिश से कभी भी मैच रद्द नहीं हुआ, जबकि विदेशों में कई बार ऐसी स्थिति आने पर मैच रद्द किया कर दिया जाता है। पाकिस्तान में फरवरी 2025 में प्रस्तावित चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के खेलने का निर्णय सरकार करेगी। BCCI केवल सीरीज का टूर प्लान करती है, बाकी विदेश में खेलने पर स्वीकृति सरकार देती है। जहरीले इंजेक्शन से नहीं, दम घुटने से हुई SRN के डॉक्टर कार्तिकेय की मौत, 3 डॉक्टरों के खिलाफ FIR। प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर कार्तिकेय श्रीवास्तव की मौत के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कार्तिकेय की मौत जहरीले इंजेक्शन से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई थी। इसके साथ ही मृतक कार्तिकेय की बहन ने 3 डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कार्तिकेय का शव SRN की पार्किंग में उसकी कार में ही मिला था। शव के पास में ही कार के बगल वाली सीट पर नियुवेक नामक इंजेक्शन की खाली शीशी और निडल रखी थी। इस वजह से आशंका जताई जा रही थी कि डॉक्टर ने खुद ही अपने हाथ से इंजेक्शन लगाया होगा। IMF से मिला बड़ा कर्जा, पाकिस्तान में लोगों की जिंदगी आसान बना पाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज के प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। इस कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान और IMF के बीच इस साल जुलाई में स्टाफ लेवल समझौता हुआ था। इलेक्टोरल बॉन्ड वसूली मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राहत, कर्नाटक हाई कोर्ट ने जांच पर लगाई रोक। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने 22 अक्टूबर तक कर्नाटक के पूर्व राज्य भाजपा अध्यक्ष नलीन कुमार कटील के खिलाफ दर्ज FIR में आगे की जांच पर रोक लगा दी है। इसी मामले में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण को मुख्य आरोपी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के धान के फसल की खरीद कल मंगलवार यानी 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। यूपी सरकार की ओर से सोमवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि मंगलवार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और लखनऊ संभाग के विभिन्न जिलों में धान की खरीद शुरू हो जाएगी। धान की खरीद की प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी। भारत पे ने अश्नीर ग्रोवर के साथ समझौता किया, दोनों पक्षों ने केस वापस लिया। 2022 में विवादों के बाद छोड़नी पड़ी थी कंपनी। भारत पे ने सोमवार को एक ऑफिशियल बयान में कहा कि ग्रोवर के कुछ शेयर कंपनी के बेनिफिट के लिए रेसिलिएंट ग्रोथ ट्रस्ट को ट्रांसफ़र किए जाएंगे और उनके बाकी बचे शेयरों को उनकी फैमिली ट्रस्ट मैनेज करेगी। MCX में उछला सोना, वायदा बाजार में सोने की कीमतों में सोमवार को तेजी दर्ज की गई है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया में 30 सितंबर को सोने की कीमत में उछाल देखने को मिला। निवेशकों का ध्यान अमेरिकी फेड के अध्यक्ष जेरोम पावेल के कमेंट और मध्य पूर्व में भू राजनीतिक तनाव से जुड़े घटनाक्रमों पर रहा। स्विगी CEO बोले, आधी रात तक काम क्यों करते रहते हो? रोहित कपूर ने कहा, ये नॉनसेंस आइडिया, सक्सेस के लिए पागल होना जरूरी नहीं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी के CEO रोहित कपूर ने कॉरपोरेट वर्किंग में हसल कल्चर का विरोध करते हुए इसे एक नॉनसेंस आइडिया कहा। योर स्टोरी की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में कपूर ने कहा कि आधी रात तक काम क्यों कर रहे हो, किसने बोला है? घर जाओ, कुत्ता है, बीवी है, गर्लफ्रेंड है, बच्चे हैं, कुछ तो करो। रोहित का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरियाणा में CM योगी ने कांग्रेस पर बोला करारा हमला, कहा इन्होंने देश का विभाजन किया और जनता को लूटा। CM योगी ने हरियाणा के बवानी खेड़ा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सिर्फ जनता को लूटा है।
तुष्टीकरण ही कांग्रेस का एजेंडा है। कांग्रेस ने देश का विभाजन किया है। बीजेपी सरकार आई तो 500 सालों की समस्या सुलझी। चार दिन से थाने में डटी भाकियू, दे डाली आंदोलन की चेतावनी, किसान नेता का आमरण अनशन जारी। मेरठ के प्रतापपुर थाने में भाकियू का धरना चौथे दिन भी अनवरत जारी रहा। मुस्लिम आबादी बढ़ गई है, बीजेपी सरकार का जाना तय, बिजनौर में बोले सपा एमएलए। बिजनौर के समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व मंत्री महबूब अली का बयान आया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि अब मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, ऐसे में राज्य में 2027 में सपा की सरकार बननी तय है। शेयर बाजार में भारी गिरावट, सेंसेक्स 1272 और निफ्टी 368 अंकों की गिरावट के साथ बंद। इससे पहले पिछले हफ्ते शुक्रवार को भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद बाजार में गिरावट दर्ज की गई थी। आज यानी सितंबर महीने के आखिरी सोमवार के बीएसई सेंसेक्स 1272 अंकों की गिरावट के साथ 84,299 अंकों पर बंद हुआ, तो वहीं दूसरी ओर निफ्टी 50 भी 368 अंकों के नुकसान के साथ 25,810 अंकों पर बंद हुआ। दिल्ली में आज सुबह से सड़कों पर आप सरकार, सीएम आतिशी से लेकर सभी मंत्री कर रहे निरीक्षण। दिल्ली के सड़कों की खराब हालत पर चिंता जताते हुए नई सीएम आतिशी ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार सुबह 6 बजे से सभी मंत्री, विधायक और अफसर सड़कों पर उतरे हैं। दिल्ली सरकार दीपावली तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना चाहती है। देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़कर जीडीपी का 1.1% हुआ, आरबीआई ने बताई ये बड़ी वजह। आरबीआई ने कहा कि जून तिमाही में शुद्ध सेवा प्राप्तियां एक साल पहले के 35.1 अरब डॉलर से बढ़कर 39.7 अरब डॉलर हो गई है। इसके साथ ही कंप्यूटर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, ट्रेवल सर्विसेज और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में बढ़ोतरी देखी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच चल रही है तो सीएम ने बयान क्यों दिया, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एसआईटी को दी तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात करेंगे जो बाइडेन, बोले मिडिल ईस्ट में रोकनी होगी जंग। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को रोकने की बात कही है। उन्होंने कहा कि वह इसे लेकर इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात करेंगे। गोवा सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को दी मंजूरी, भूमि कानून से जुड़ा फैसला भी आया। सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि केंद्र सरकार के सभी नॉर्म्स के अनुसार ही राज्य में भी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया जाएगा। इसके साथ ही भूमि उपयोग परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने की बात